वही अगली खबर मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले से आ रही है। आपको बता दें कि पिछले हफ्ते जिले के सबसे पॉश इंदिरा कॉलोनी में छत से गिरकर एक व्यक्ति की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। घटना के बाद मृतक का शव पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया गया। परिजनों ने मौत को दुर्घटना या आत्महत्या मानने से इनकार करते हुए हत्या की आशंका जताई। परिजनों के शक पर पुलिस ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट और घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाले तो पता चला कि घटना वाली रात मृतक ऑटो रिक्शा से घर आया था। ऑटो रिक्शा चालक भी उसका पुराना दोस्त था, वह भी मृतक के साथ घर गया था और घटना के बाद रिक्शा चालक फरार हो गया। पुलिस ने अपने मुखबिरों की मदद से ऑटो रिक्शा चालक की पहचान साजिद खान के रूप में की। आरोपी को हिरासत में लेकर सूझबूझ से पूछताछ की गई तो पूछताछ में आरोपी ने अपना जुर्म कबूल लिया और उसने जुर्म कबूल करते हुए बताया कि मृतक उसका दोस्त था और मामूली विवाद के चलते उसने यह वारदात की। पुलिस ने आरोपी को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया है। इसमें एक ऑटो वाला था और जो मृतक था वो दोनों पुराने मित्र थे, तो उस दिन दोनों मृतक के घर पे गए थे। ऑटो वाला और जो मृतक है वो मृतक के घर पे बैठे थे, वहाँ पे बातचीत के दौरान इनका आपसी विवाद हो गया था। तो उसी विवाद के दौरान जो ऑटो वाला था उसने मृतक को छत पे से धक्का दे दिया था, जिसके कारण गिरने से उसकी मृत्यु हो गई थी। उसमें आरोपी गिरफ्तार हो गया है और न्यायालय में पेश भी कर दिया गया है।